दोस्तों, क्या आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के हैंग होने से परेशान हैं या फिर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप स्लो चल रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर को सुपर फास्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन ट्रिक्स का यूज करके आप अपने कंप्यूटर को सुपर फास्ट बना सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन ट्रिक्स के बारे में तो इस वीडियो क्लास तक जरूर देखें। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेटर ट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम जानेंगे इन ट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर की ट्रिक है वो है डिसेबल स्टार्टअप प्रोग्राम्स। दोस्तों, स्टार्टअप प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं, वो एप्लीकेशंस होती हैं जो कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन करते ही बैकग्राउंड में रन होने लगती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, और जिससे हमारा कंप्यूटर और लैपटॉप हैंग होने लगता है, स्लो हो जाता है। तो दोस्तों, इन प्रोग्राम्स को डिसेबल करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड की कंट्रोल अल्ट एंड डिलीट की बटन को प्रेस करना है एक साथ। जैसे आप कंट्रोल अल्ट डिलीट की बटन प्रेस करेंगे और जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको इनमें से एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट टास्क मैनेजर। इस पे आप क्लिक करेंगे, देन अब आप देख सकते हैं यहाँ एप्लीकेशन ऑप्शन पे देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रन है। तो इनमें से जो आपको लगता है कि जो एप्लीकेशन अभी आपके काम के नहीं है, उन पे आप क्लिक करके इन टास्क कर सकते हैं। जैसे आप इन टास्क कर देंगे वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक एप्लीकेशन है, इसको भी अगर इन करना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, वो भी बंद हो जाएगी। तो इनमें से जो एप्लीकेशन आपको एक्स्ट्रा लग रही है, जो आप वर्क नहीं कर रहे हो अभी करंट में जिस पे, उनको आप सेलेक्ट करके इन टास्क कर सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे प्रोसेस पे भी देख सकते हैं ये कौन कौन से प्रोसेस चल रही हैं। तो आपको अगर लगता है कि ये प्रोसेस भी हमारे काम की नहीं, जैसे यहाँ chrome.exe, अगर आप क्रोम का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इन पे क्लिक करके भी इन प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस भी चल रही हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रोसेस मिल जाएंगी जो कि मेमोरी आपका, देखिए यहाँ पर क्रोम सबसे ज़्यादा मेमोरी यूज कर रहा है, यानी कि रैम यूज कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप क्रोम कभी यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इनको सेलेक्ट करके इन प्रोसेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप की रैम फ्री हो जाएगी और जिससे हमारा कंप्यूटर अच्छे से चलने लगेगा। अब दोस्तों, इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर की ट्रिक है वो है डिसेबल एनिमेशन एंड विजुअल ग्राफिक्स। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप में विजुअल ग्राफिक्स एंड एनिमेशन के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर हम इनको डिसेबल कर देते हैं, एनिमेशन एंड विजुअल ग्राफिक्स के ऑप्शन को बंद कर देते हैं, तो हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जल्दी से लोड हो जाएगा और हमारा कंप्यूटर अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन दोस्तों, इसका एक डिसएडवांटेज है, अगर हम इनको ऑफ कर देते हैं विजुअल ग्राफिक्स को, तो हमारे कंप्यूटर का जो वीडियो क्वालिटी है, हमारे कंप्यूटर का जो लुक है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रह जाएगी, इसके विजुअल और पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रह जाएगी। फिर भी मैं आपको ये ऑप्शन बता देता हूँ कि डिसेबल कैसे करना है, अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कंट्रोल पैनल पर जाना होगा। तो अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कंट्रोल, बट अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो फिर आपको विंडोज और आर के बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर कंट्रोल टाइप कर देना है, देन इंटर कर देना है। ये आपको विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 में तीनों में ही ऑप्शन ये काम करेगा। देन आपको यहाँ पर एक सिस्टम ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर एडवांस पे आपको क्लिक करना है और ये फर्स्ट ऑप्शन पे ही सेटिंग पे जाना है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं विजुअल इफेक्ट्स हैं यहाँ पे। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको विजुअल इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनिमेशन कंट्रोल बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको विजुअल इफेक्ट से रिलेटेड हैं। अगर आप इन सब को अनचेक करके अप्लाई ओके करते हैं तो आपका कंप्यूटर काफी फास्ट चलने लगेगा। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो विजुअल इफेक्ट्स को, तो आपके कंप्यूटर का जो ग्राफिक है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही कम हो जाएगी और आपकी पिक्चर क्वालिटी भी बेकार हो जाएगी। तो अगर आप एनिमेशन से रिलेटेड कोई वर्क करते हो तो फिर आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप एनिमेशन से रिलेटेड वर्क नहीं करते हो, विजुअल इफेक्ट्स की जरूरत आपको नहीं है, तब आप इसको डिसेबल कर सकते हो। इन सभी को अनचेक करके अप्लाई ओके कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस लिस्ट में जो थर्ड नंबर की ट्रिक है वो है विंडोज अपडेट को ऑफ करना। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आप कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं तो समय समय पे उस पे अपडेट की जरूरत होती है। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी पैचेस लॉन्च होता है तो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए आपको अपडेट आते रहते हैं और आप जब भी अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो बैकग्राउंड में वो अपडेटिंग चालू हो जाती है, जिसके कारण भी आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो अगर आपको विंडोज अपडेट को ऑफ करना है तो उसके लिए हमें अपने कंप्यूटर लैपटॉप के विंडोज और आर के बटन को प्रेस करना है,
देन यहाँ पर टाइप करना है services.msc और उसके बाद हमें इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर कर देंगे, अब आप देख सकते हैं कि हम सर्विसेज पे पहुंच चुके हैं। अब हमें स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको देखना है विंडोज अपडेट का ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज अपडेट का ऑप्शन आ गया है। इस पर हमें राइट क्लिक करना है, देन प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक डिलीट स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, या तो फिर आपको ऑटोमेटिक का बाय डिफॉल्ट ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर अगर डिसेबल करना है तो आपको डिसेबल सेलेक्ट करना है, उसके बाद अप्लाई ओके कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका विंडोज अपडेट ऑफ हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं लेगा। बट दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये विंडोज अपडेट आप ऑफ कर सकते हैं, बट बीच बीच में एक दो महीने में आपको विंडोज अपडेट को फिर से ऑन करके और मैनुअली ही विंडोज अपडेट कर लेना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट समय समय पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी पैचेस अपडेट करता रहता है। तो अगर आप एक दो महीने में एक बार भी इसको अपडेट कर लेंगे मैनुअली तो आपके कंप्यूटर के लिए अच्छा होगा। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो फोर्थ नंबर की ट्रिक है वो है ऑफ द नोटिफिकेशंस। दोस्तों हमारे कंप्यूटर में एक नोटिफिकेशंस का ऑप्शन होता है जो कि टाइम टाइम पे आपको नोटिफिकेशंस देते रहते हैं। ये ऑप्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों का भी नोटिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता है और जिससे हमारे रैम की मेमोरी यूज होती रहती है और हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो अगर आप नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देते हैं तब भी हमारा कंप्यूटर फास्ट चलने लगेगा। तो दोस्तों नोटिफिकेशंस को ऑफ करने के लिए अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन टाइप कर दीजिए सर्च बार पे, और अगर आप विंडोज 10 का यूज कर रहे हैं तब आप डायरेक्ट सेटिंग ऑप्शन सर्च कर लीजिए सर्च बार पे और वहां पर आपको नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ विंडोज 7 पे बता रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन टाइप किया तो नोटिफिकेशन एरिया आइकन्स आ गए हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया आइकन्स आ चुके हैं। यहाँ पर आपको जो भी जरूरी आइकन्स नहीं है, जैसे यहाँ पर पावर आइकन्स, नेटवर्क और वॉल्यूम को छोड़ के बाकी नोटिफिकेशंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इनको यहाँ पर क्लिक करके हाइड आइकन्स एंड नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ओके कर सकते हैं। अगर आप इनको ओके कर देंगे लाइक दैट, जैसे हम यहाँ पर बात कर लें पावर ISO की, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इनको हाइड करके और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे एप्लीकेशंस के ये नोटिफिकेशन ऑन है, इनको अगर हम ऑफ कर लेते हैं और उसके बाद हम ओके कर देंगे तो हमारे कंप्यूटर की रैम यूज नहीं होगी, और अगर रैम फ्री रहेगी तो हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली फास्ट चलने लगेगा। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है स्कैन योर कंप्यूटर्स। दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिसको आपने परचेस किया है, पैड वर्जन आपने इंस्टॉल करके रखा है, तो आप बीच बीच में पूरे कंप्यूटर को स्कैन करते रहिए उस एंटीवायरस से। बट अगर आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को परचेस नहीं कर पा रहे हैं, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर बता दूंगा जो कि बिल्कुल फ्री है, 40 डेज का इसका ट्रायल वर्जन है और इसका नाम है मालवेयर बाइट्स। दोस्तों इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है एंटी मालवेयर बाइट। जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी malwarebyte.com। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री में भी अवेलेबल है 40 डेज के लिए। तो यहाँ से आप इसको फ्री डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए और पूरे कंप्यूटर को आप स्कैन कर लीजिए। जो भी वायरस होंगे वो इसको डिटेक्ट करके डिलीट कर देगा, और अगर आपके कंप्यूटर से वायरस डिलीट हो जाएंगे तब भी आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है प्रीफेज कमांड। जी हाँ दोस्तों, ये कमांड चलेगी आपके रन पे, और रन को ओपन करने के लिए हमें कंप्यूटर या लैपटॉप के विंडोज और आर के बटन को प्रेस करना है, देन यहाँ पे कमांड प्रेस करनी है प्रीफेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टाइप किया प्रीफेज PREFETCH, उसके बाद हमने एंटर किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे बहुत सारी डंप फाइलें मिल जाएंगी। एक्चुअली होता क्या दोस्तों कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर रन होते रहते हैं और ये कंप्यूटर चलते चलते अपने प्रोसेसर की मेमोरी में बहुत सारी डंप फाइलें बना लेता है, और वो डंप फाइलें अगर हम क्लियर कर दें तो हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इन सभी डंप फाइलों को हमें ऑल सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल और ए से, उसके बाद हम चाहें तो मैनुअली इसको डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट कर दें या कंट्रोल डी प्रेस करके हम डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको डिलीट करेंगे तो हमारा कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है टेम्प। टेम्पररी फाइलों को अगर हम डिलीट कर दें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से तो भी हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें रन पे ही जाना है फिर से और टेम्प TEMP टाइप करके इंटर कर देना है। जैसे हम इंटर करेंगे अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारी टेम्पररी फाइलें हमारे मेमोरी में बन जाती हैं, जिससे भी हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो समय समय पे एक एक दो दो महीने में आप इसको क्लियर करते रहें, तो इनको भी आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल डी कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, या आप चाहें तो इस पे मैनुअली राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिलीट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुछ ऑप्शन डिलीट नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर में ऑन हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रोसेस जो टेम्पररी उसकी प्रोसेस है
वो यहाँ पर बनी हुई है जो कि अभी डिलीट नहीं होंगी। इन सभी को हमें स्किप कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि टेम्पररी फाइलें सारी डिलीट हो गई हैं, सिर्फ इन्हीं को करंट में जो यूज हो रही हैं फाइलें, सिर्फ उनको छोड़ के। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है डिस्क क्लीनअप। जी हाँ दोस्तों, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इनबिल्ट फीचर है। इसको रन करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के विंडोज और आर के बटन को प्रेस करना है, देन यहाँ पर कमांड टाइप करनी है क्लीन MGR, उसके बाद हमें इंटर कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने डिस्क क्लीनअप ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी ड्राइव को आप क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोसेस से आपके कंप्यूटर का डेटा डिलीट नहीं होगा, बस जो टेम्पररी फाइलें हैं, जो डंप फाइलें हैं, वो बस क्लीन होंगी। तो यहाँ पर आप कोई भी ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको सी ड्राइव ही सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ओके कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लीनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लीन करके हमें बता दिया कि क्या क्या डंप फाइलें हैं। तो यहाँ पर हमें सारी डंप फाइलों पे टिक करके ओके कर देना है और यहाँ पे डिलीट कर देना है। ये फाइलें डिलीट हो जाएंगी तब भी हमारा कंप्यूटर काफी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर से वर्डन कम हो जाएगा। दोस्तों कई लोगों के कंप्यूटर को तो मैंने ऐसा देखा है कि वो जब से कंप्यूटर 8-10 साल से उन्होंने ये कमांड चलाई नहीं है और उनके कंप्यूटर में 20-25 जीबी की डंप फाइलें बन गई हैं, और जिससे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी उनका कंप्यूटर बहुत स्लो होता रहता है। अब दोस्तों इस लिस्ट में नेक्स्ट ट्रिक है वो है सी ड्राइव को फ्री रखना। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सी ड्राइव पे ही जनरली होता है। हम चाहें तो दूसरी ड्राइव पे भी अपलोड कर सकते हैं, बट अगर सी ड्राइव पे है, जिस भी ड्राइव पे अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ड्राइव को हमें ज्यादा से ज्यादा फ्री रखना है। अगर सी ड्राइव रेड होती है तब भी आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस काफी गिर जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके सी ड्राइव में कम से कम 20 जीबी का स्पेस फ्री रहना चाहिए। अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा स्पेस आप सी ड्राइव पे रखिए, तो इससे भी आपके कंप्यूटर पे वर्डन नहीं आएगा और प्रॉपरली आपका कंप्यूटर रन होगा। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो लास्ट ट्रिक है वो है लॉक्स को क्लियर करना, अपने कंप्यूटर के लॉक्स को क्लियर करना है। तो अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सर्च बार पे जाके इवेंट व्यूअर टाइप करना है, और अगर आप विंडोज 10 का यूज कर रहे हैं तो फिर आपको टाइप करना है इवेंट लॉक्स। दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इवेंट व्यूअर का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर हमने इसको ऑन कर लिया है, इस पर हमने क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ विंडोज लॉक पे जाके एप्लीकेशन पे टाइप करना है, एक एक करके सभी ऑप्शन पे क्लिक करते जाना है। यहाँ पर हमने एप्लीकेशन पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉक्स इसके बने हुए हैं 9951। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके रखना है, और यहाँ पर आपको राइट हैंड में क्लियर लॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर क्लियर कर देना है। इससे क्या होगा कि जितने भी एप्लीकेशन रिलेटेड लॉक्स हैं ये सारे क्लियर हो जाएंगे और आपका कंप्यूटर फास्ट चलने लगेगा। ऐसे ही आपको सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर देखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके भी इवेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियर कर देना है, इसको भी क्लियर कर देना है टोटली। देन आपको सेटअप पे जाना है, और सेटअप ऑप्शन पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एरर्स के लॉग्स हैं, इसको भी आपको क्लियर कर देना है। ऐसे ही करके आपको सारे ऑप्शन पे क्लियर लॉग कर देना है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लॉग्स दिख रहे हैं हमें, 56,000 हैं यहाँ पे, तो इसको भी क्लियर लॉग कर देना है। ऐसे ही करके आपको एप्लीकेशन एंड सर्विसेज पे जाना है, एक एक करके सारे लॉग्स को क्लियर करते जाना है। तो ऐसे करके आपको सारे लॉग्स क्लियर कर लेने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक आपको एक्स्ट्रा ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करता हूँ एक एक्स्ट्रा ट्रिक बताने की, तो ये ट्रिक है डिलीट अनवांटेड एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर्स। दोस्तों होता क्या है कि हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं, और कुछ टाइम के बाद उन एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती, उन सॉफ्टवेयर की जरूरत हमें होती नहीं है, और हम अपने कंप्यूटर से वो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल भी नहीं करते, और जिससे हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा वर्डन हो जाता है और हमारा कंप्यूटर स्लो चलने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें दिस कंप्यूटर यानी माई कंप्यूटर पर जाना है। अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अनइंस्टॉल चेंज आप प्रोग्राम का ऑप्शन आ जाएगा, और अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्रोग्राम्स का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे जा सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट कमांड के थ्रू जाना चाहें तो उसके लिए मैं कमांड भी बता दे रहा हूँ। आपको रन पे जाना है, appbiz.cpl टाइप करना है और इंटर कर देना है। ये सारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेगा ये कमांड। तो यहाँ पर जाके अगर आपको लगता है कि जो सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, एक एक करके आप यहाँ पे सेलेक्ट करते जाइए, अनइंस्टॉल करते जाइए, और उसके बाद आपको लास्ट में अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने के बाद आप चेक करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपका कंप्यूटर बहुत ही फास्ट मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर पूछें। एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।